Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jesus of Nazareth, we bless you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord, that you are in our life. Lord, not only to reside, but to preside over every affair of our life. Unto you we surrender our soul, our spirit, our mind, our will, our emotions. Hallelujah. All who we are, all that we are composed of, Lord God, all that we possess, we surrender to you, Jesus of Nazareth. We surrender to you, Jesus. Hallelujah. We come to sing your praise. Hallelujah. We come to sing your glory, Lord. Hallelujah. We cherish, Lord, being at your feet. We cherish worshiping you and adoring you, Lord God. Hallelujah. Your presence is so refreshing, Lord. It is like the fresh pouring rain after the scorching heat of the summer, when the land is parched and become desert. Lord, the rain that falls at that time, you are that blessed shower. Rain, O Lord Jesus of Nazareth. And we worship you. Lord, fall upon the lives of your people. Fall upon the ground of the heart of your people. Nurture your people, Lord. Lord, pour out on the heart of your people. Oh, blessed rain of the Holy Spirit. Blessed rain of the Holy Spirit. Pour out on the hearts of your people. The land of the heart is parched, is dry, become very brittle. Lord, rain down. Rain down on the hearts of your people, I pray. Rain down. Rain down, Holy Spirit. Rain down, hallelujah. Come like torrential shower, Holy Spirit. Seep through, in and out, and drench your people. Hallelujah. May your people be lifted up, Lord. May they exult in your name. May they lift up their voices. Grant them the feet like hinds, that they jump like the calves of the stall. For you are the Son of Righteousness. When you shine, your people jump. Khudavand, tu dharmikta ka suraj hai. Jab tu apne logon pe chamakta hai, tere log baade ke bachdon ki tarah koodte hain. खुदावंद भविष्यवाणी है मलाकी नबी 4:2 में कि तुम बाड़े के बछड़ों की तरह कूदोगे. खुदावंद कमजोरियां, मांदगियां, दुर्बलताएं दूर कर तेरे लोगों में से, ताकि तेरे लोग तेरे आगे कूदें. खुदावंद बाड़े के बछड़ों की मानंद नया बल दे, नई कुवत दे. खुदावंद हालेलुया, तेरे तेज को उंडेल, तेरी महिमा को उंडेल. खुदावंद तेरे तेज को उंडेल, तेरी पवित्रताई को उंडेल. खुदावंद तेरी पवित्र हजूरी को उंडेल, पवित्र हजूरी को उंडेल. खुदावंद हालेलुया, अंधकार को तेरी हजूरी जलाती है. पवित्र अग्नि हालेलुया, तेरी हजूरी की अग्नि, पवित्र आत्मा की अग्नि अंधकार को जलाती है. पवित्र आत्मा की अग्नि उंडेल खुदावंद. हालेलुया 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 हालेलुया, तेरा धन्यवाद धन्यवाद. तेरे पवित्र आत्मा की अग्नि को मैं खोलता हूँ, पवित्र आत्मा की कुवत को खोलता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को खोलता हूँ. लॉर्ड, लेट द फायर, लेट द फायर, लेट द फ्लेम्स ऑफ द ग्लोरियस फायर फॉल अपॉन योर पीपल. लेट द फ्लेम्स ऑफ फायर बर्न एवरीथिंग दैट इज ऑफ द एनिमी. हालेलुया. जब उस अग्नि में जिसका तेज 7 गुना बढ़ाया नबुकदनेस्सर ने, उसके अंदर परमेश्वर के भक्तों को जंजीरों से बांध के जिन जल्लादों ने फेंका, इतनी भयंकर आग थी कि वो जल्लाद जल गए, उनके स्केलेटन पिघल गए डालने वालों के. लेकिन जिन्हें डाला गया वो आग की भट्टी में जाते ही उनकी जंजीरें पिघल गईं, सांकलें जो पाँव में डाली थी वो पिघल गईं, जंजीरें पिघल गईं, और तीनों परमेश्वर के भक्त आज़ाद हो गए. हालेलुया. आग में जाके आज़ाद हो गए, तीनों के कपड़ों को आँच नहीं आई, पवित्र आत्मा की अग्नि में तब्दील हो गई नबूकदनेस्सर की आग की भट्टी. हालेलुया.
और उस अग्नि की ज्वाला में, भट्टी में स्वयं यीशु मसीह चला आया। आपको मालूम वो आग की नेचर कैसे बदल गई? क्योंकि उस आग की नेचर में स्वयं आग को पैदा करने वाला स्वामी प्रभु यीशु मसीह चला आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों में आएगा, आपकी परिस्थितियाँ की नेचर बदल जाएगी। आप देखेंगे सब कुछ उलट पुलट हो गया। जो शत्रु ने आपके नुकसान के लिए तैयार किया, आपकी हानि के लिए तैयार किया, जो दुश्मन ने आपको मिटाने के लिए तैयार किया, वो आपकी प्रमोशन करेगा। शद्रक, मेशक, उबेदनिगो जब यीशु मसीह के संग आग की भट्टी में घूम रहे हैं तो राजा तो जैसे पागल हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह के संग संग तीनों इब्री जवान घूमते हैं। आपको मालूम आग ने क्या किया? द फायर, द मोमेंट दोज थ्री हीब्रूस यंग मैन वर थ्रोन इन टू दैट फायरी फर्नेस, इन एन इंस्टेंट द फायर मेल्टेड डाउन देयर चेन्स एंड देयर फैटर्स। दिस फायर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विल लिबरेट यू, विल सेट यू फ्री। Every chain and every bondage will break, and it will happen in an instant, and you will be able to walk freely in the fire. You will be able to walk in majesty. Not only you will have to walk alone, but the King of the universe will come to walk by your side. What a spectacle it would be! What a glorious sight it might have been that pagan King Nebuchadnezzar sees the glorious King Jesus inside the fire. And he says, did you not throw three men? How come I see the fourth one whose face looks like the Son of God? Hallelujah. What a glorious testimony it was. How gloriously a God was exalted in the palace of the great king. कितने लोगों ने देखा आग की भट्टी में शद्रक, मेशक, उबेदनेगो को चलते हुए? कितने लोगों तक यहोवा की सामर्थ्य गवाही पहुंची? हालेलुया। चाहे शेरों की मांदों में भी या डाले जलती भट्टियों में, चाहे शेरों की मांदों में भी या डाले जलती भट्टियों में, खुदा के तालिबों को क्या यीशु जाकर नहीं मिलता? दुआ में क्या नहीं मिलता? मांगे तो क्या नहीं मिलता? दुआ में क्या नहीं मिलता? हो उम्मीदों का चमन गर सूख जाए जलती धूपों से, उम्मीदों का चमन गर सूख जाए जलती धूपों से, खुदा की पाक रुकी बारिशों से क्या नहीं खिलता? दुआ में क्या नहीं मिलता? मांगे तो क्या नहीं मिलता? दुआ में क्या नहीं मिलता? आइए मिलके दुआ करें। आपके जीवन में जो भी बात है इस समय, जरूरी नहीं है कि लंबी फेहरिस्त बनानी, आपने लंबी लिस्ट रखनी हर समय। वट एवर इज कमिंग ऑन योर हार्ट राइट नाउ, जब वट एवर इज ऑन योर हार्ट, जस्ट विस्पर अन टू द लॉर्ड, मेरे संग वो खुदा की हजूर में लेकर आए। आइए दुआ मांगे। फादर, आई लिफ्ट अप दीज पीपल हु आर ऑनलाइन राइट नाउ बिफोर यू। अमरजीत कौर एंड हर फैमिली आई लिफ्ट अप बिफोर योर थ्रोन। ज्योति गचली फ्रॉम दुबई, आई लिफ्ट हर हर हाउस होल्ड बिफोर योर थ्रोन। एंड योर डॉटर रिंकल गाबा कुथुरिया, आई लिफ्ट अप बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस। लॉर्ड, आई प्लीड द ब्लड द लैम ओवर योर पीपल। हालेलुया, प्लीड द ब्लड द लैम।
And Lord, I lift up before you Lena Davidson and her husband and their children. Bless them, Lord. Make them blessing for your body, for your kingdom. Lord, use them for your glory. I pray in the name of Jesus, transform their heart. Make their heart like the heart of Jesus, that always longed and cared for others, that always looked for an opportunity to make difference in the lives of other people. So I pray, Lord, that you grant such a heart to this couple. I pray for Sabi Surjeet and his father and mother and his family members. I lift them up before your throne of grace. Lord, I pray for Komal Masi and her husband. I pray that you open up a job for her husband. Lord, let them lean on you. When you give them a job, when you give them wealth, let them not just relish, Lord, that they were very smart, you know, they had a great job, money, but Lord, let them cherish you, for you are the source. Rest all is resource. We don't look unto the resources, we look unto the source, which is Jesus of Nazareth, the King of Glory. Hallelujah. Khudavan tera dhanyavad ho. Lord, I pray that you bless Komal and her husband and grant him a job and bless their home. And I pray for Ruby Sanghera. Lord, aaiye sab milke dua karein. Sister Ruby Sanghera, jo Britain se hain, unki behan Taljinder ke liye, wo hospital mein unki kidneys ke liye prarthana karein. Parmeshwar unke jeevan ke din extend kare. Uske liye hum prarthana karein. Hallelujah. Khudavand, hum Ruby Sanghera ko, unke husband ko, unke khandan ko aapke huzoor mein laate hain. Lord, I plead your blood over them. Tere lahu ke saaye ke niche laata hun. खुदावन, इनके जीवन में जो तेरी बुलाहट है, इनके जीवन में जो तेरा मकसद है, उसे पूरा करना. ये ढूंढें खुदावन, एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें तेरी बुलाहट, तेरा मकसद, उसे पूरा करें. तेरे लिए जिए ये कपल. और खुदावन, इनकी बहन को छू. मैं तेरा खून उसके ऊपर छिड़कता हूँ, उसकी किडनीज पर छिड़कता हूँ. उसके जीवन के दिन बढ़ा खुदावन. खुदावन, उस पर दया कर. उसके पति, उसके घराने के अंदर अंधकार है. मैं अपनी आत्मा में देखता हूँ अंधकार. खुदावंद, तू दया कर. तू खुदावंद, क्योंकि वो तेरे नाम पे विश्वास करती है, उसकी बेटी तेरे नाम पे विश्वास करती है, इसलिए तू दया कर उसके घराने पे. खुदावंद, करुणा कर. यीशु मसीह, दया कर. मैं तेरे सामर्थी हाथ को खोलता हूँ. तेरा सामर्थी हाथ काम करे खुदावंद. हालेलुया, तेरी महिमा हो यीशु मसीह. तेरी महिमा हो खुदावंद. बहादुर सिंह आकाश को के घराने को तेरे लहू में छिपाता हूँ. पूरे घराने को आशीषित कर खुदावन. भाई मंगल थापा नेपाल वाले, उनके घराने को आपके आगे लाता हूँ. शांति, उनकी वाइफ को, उनकी बेटियों को आपके खून में छिपाता हूँ. अपना हाथ बढ़ाएं खुदावन. तूने इस बंदे को प्रॉस्पर किया है. ये बहुत सारे लोगों के लिए भलाई के काम कर रहा है खुदावन. गरीबों की सुधि ले रहा है. इस बंदे को तूने ब्लेस किया, इसे और ब्लेस कर खुदावन. और इसे अपने सच्चे मार्गों पर चलना सिखा. ये गरीबों, अनाथों, विधवाओं की सुधि लेता है. तो खुदावंद, ये तुझे उधार देता है. हालेलुया, तेरा धन्यवाद. गुरप्रीत सिंह पे मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ. तेरे खून में गुरप्रीत सिंह को छुपा, आशीषित कर. लॉर्ड, आई प्रे फॉर पूजा बिष्ट. पूजा को छू. पूजा तेरी दासी है, तेरी बेटी है. अपने अनुग्रह के हाथ को उसके जीवन पर, इसके घराने पर बढ़ा. तेरी सामर्थ्य इसके जीवन में काम करे खुदावंद. तेरे लहू की जय जयकार हो. हालेलुया खुदावंद. मैं गीता के लिए प्रार्थना करता हूँ. गीता के हस्बैंड प्रहलाद को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ. अंधकार जो उसके अंदर काम करता है, उसे तेरे जलाली नाम में बांधता हूँ. गीता के जीवन में खुशियाँ दे खुदावंद. गीता के दिल को खुशी से भर. उसके पति के जीवन को बदल. उसके पति के जीवन से अंधकार और गंदी रूहें यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं. इसके घर में शांति आए और तसल्ली आए और खुदावंद तेरी हजूरी का साया हो. Lord, I pray for Siddharth Singh, that you bless this young man, that your spirit will lead him. Lord, your light will navigate his path. Lord, he will not turn away from your word. He will not deviate from your commandments, but he will live in them, Lord, I pray. Lord, I pray for, in the name of Jesus of Nazareth, for Manisha Singhi. I pray for her husband, Lord, Mr. Aman. I pray that your hand will touch him, that your spirit will move in her home, Lord. Hallelujah. I speak healing and blessing over her. I, Lord, speak
the blood covering over Angela Droach. Lord, the blessing of the blood covenant to be unleashed upon Angela Droach, Lord. Bless Angela. Let your hand be upon Angela. Hallelujah. Let your mighty hand be upon Angela. I cover Angela under the blood of the Lamb. Under the holy blood of the Lamb, I cover Angela, Lord. And I pray for Sunita Kaur, Lord, your daughter. Stretch forth your healing hand. Heal her body. Whatever is, Lord, imbalance in her body, you heal her, Lord. Heal her internal organs. Lord, renew her strength, I pray. Invigorate her body. Hallelujah. I speak life to her DNA and her RNA. I speak life to her blood corpuscles. I speak life to her bones and more density to her bones. And Father, in the name of Jesus of Nazareth, let your angels be around her, I pray. Hallelujah. खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम में दर्शन सिंह को, आपके दास को, आपके लहू में छिपाता हूँ. ब्लेस दिस मैन, ब्लेस हिज हाउस होल्ड. हालेलुया. ब्लेस ऑल द वर्क्स ऑफ दिस मैन्स हैंड. मे योर स्पिरिट रेस्ट अपॉन हिम, लॉर्ड. लॉर्ड, आई प्रे फॉर ब्रदर रॉबी जॉन. ही इज़ योर सर्वेंट, लॉर्ड. ब्लेस दिस यंग वेसल. मे योर हैंड बी अपॉन हिम, अपॉन हिज फैमिली, हिज लव्ड वंस, अपॉन हिज अदर ब्रदर, लॉर्ड. एंड यू ब्लेस दिस ब्रदर विद अ चाइल्ड. And Lord, his elder brother who lives in Italy, bless him too. May your hand be upon this family. Bless his father and mother and his loved ones, Lord. Draw the hedge of the blood around them, I pray. And Lord, I pray for Manoj Kumar. Teri aashish ka haath bhai Manoj pe ho. Inki patni pe, inke gharane ke upar ho. Teri aashish ka haath. Hallelujah. Tere samarthi haath ko apne logon pe badha, Khudavan. Lord, I pray for Meenu Sood. I pray that you touch Meenu Sood and her husband, that you bless them. Lord, that you reward them of the seed they plant in your kingdom. You reward them, Lord, according to Deuteronomy 1:11. That is thousandfold increase. You give thousandfold increase to, Lord. I speak thousandfold increase. I claim Deuteronomy 1:11. I pray for Sahil from Pakistan. May you bless him, bless his father. Bless his family, family members. Stretch forth your hand upon him. Make him your servant. May he shine your light in Pakistan. May Pakistan be shaken by your power, Lord, I pray. By the power of the gospel. Hallelujah. Bless my brother, I pray, Lord. I pray for, Lord, for Bahadur Singh Akash and his family. I pray for Jasveer Singh Surinder, that you bless Jasveer Singh Surinder and his household. Lord, I pray for Raman Bhai. Bless brother Raman Khan. Bless his wife Reena Khan, Lord. I pray for his two daughters, Lord. Open doors for his daughters. And Lord, I pray for his mother, that you heal her. Lord, I particularly pray for her family members whom he found in Pakistan. And brother Sahil was such a wonderful person who traveled all the way and connected his family members. Lord, wo khudavand muslim hai. लेकिन तेरे लिए कौन सा काम मुश्किल है खुदावन. तू अपनी ज्योति उन पे चमका और उन्हें अपनी ओर खींच खुदावन. हालेलुया. खुदावन तेरा धन्यवाद. मैं अपने आप को भी तेरे चरणों में रखता हूँ खुदावन. मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे. तेरे दास हैं खुदावन. हमारे इर्द गिर्द अपने खून का बाड़ा खड़ा कर, अपने फरिश्तों की फ़ौज तैनात कर खुदावन. तेरी सारी आशीषों के लिए जिसके हम लायक नहीं हैं. मैं, मेरा घराना डिज़र्व नहीं करता खुदावन, पर तू अपने अनुग्रह से हमारे ऊपर पोर आउट करता है खुदावन. हमारे हृदय हम्बल है, ब्रोकन है तेरी हजूर में खुदावन. तेरा धन्यवाद खुदावन. मैं प्रार्थना करता हूँ रजिंदर कौर के लिए, दर्शन सिंह की सिस्टर रजिंदर कौर के लिए. अपना हाथ बढ़ा के उसे छू, तेरा लहू उसके ऊपर छिड़कता हूँ. चंगा कर खुदावंद, अपना हाथ बढ़ा, अपनी कुदरत को खोल रजिंदर कौर पे. इंद्रप्रीत सिंह को भी छू, मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ खुदावंद. हेवनली पवेलियन में, हेवनली कोर्ट रूम में ये प्रार्थनाएं तेरे हजूर में पहुँचे, तेरे थ्रोन ऑफ ग्रेस के आगे खुदावंद. और तू इन प्रार्थनाओं का उत्तर दे खुदावंद. हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया.
यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। अभी हम फिर कल से उपवासों में चले जाएंगे और झोपड़ियों का पर्व चल रहा है जो 9 तारीख को ख़त्म होगा, फीस्ट ऑफ द टैबनेकल, सुका जिसे बोलते हैं, सुकोत, फीस्ट ऑफ द बूथ। तो इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, कल से उपवास रखेंगे। आप में से जो जो लोग उपवास रखना चाहें कल और परसों आप मेरे संग उपवास में ज्वाइन करें। एक दिन का रखना चाहते हैं एक दिन का रखें, दो दिन का रख सकते हैं दो दिन का रखें, ज्वाइन मी इन फास्टिंग। हालेलुया, ये ब्लेसिंग का सीज़न है, गॉड विल पोर आउट द ब्लेसिंग। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में फॉर परीता निवेल, लॉर्ड आई प्रे फॉर योर डॉटर, फॉर योर ब्लेसिंग। आई प्रे दैट यू वुड मेक योर फेस शाइन अपॉन हर, दैट हर कॉन्टेनेंस विल लिट अप। फॉर द फेवर ऑफ द किंग इज लाइट, फॉर द फेवर ऑफ द किंग इज लाइक द शावर ऑफ रेन इन ब्लेजिंग हॉट समर। आई प्रे लॉर्ड that you draw her closer to you, that you stretch forth your hand over her life and over the lives of her family members. And I pray, Father, bless our mother, bless our relatives, I pray in the name of Jesus of Nazareth. I pray for Malkiyat Gill, Lord, that your hand will be upon Malkiyat Gill. Bless his family, I pray. Bless Bobby Art, bless Brother Jacob Hoker, Lord. Bless him, Lord, bless his family in Italy. Bless the ministry that he does, the work that he does. Bless his household, Lord God. Hallelujah. Bless Bobby Art and his wife. Bless his brother, Pastor Charanjit. Khudavan, teri aashish, teri karuna ka haath teri logon ke upar ho. Hallelujah. Hum tera dhanyavaad karte hain. Yeshu Masih ke jalali naam mein. Amen. Main ek chota sa sandesh aapko dunga. Lekin itna chota bhi nahi hoga. Par bahut adbhut वचन आपको बताने जा रहा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं अपने मुंह से, आपको मालूम यूहन्ना रचित सुसमाचार में 7 आयम्स हैं। ईगो एम ए आई, ग्रीक वर्ड है ईगो एम ए आई। ईगो अहंकार मनुष्य के लिए अच्छा नहीं। जो आयम यीशु मसीह बोलते हैं इसका मतलब वही है, ईगो एम ए आई। लेकिन ये असल में कहाँ से है? जो परमेश्वर यहोवा यहुआ हशम यहुआ मोजेस से कहता, जब मोजेस परमेश्वर से उसका नाम पूछता है तो परमेश्वर कहता हाइया अशर हाइया, जिसे हिंदी में लिखा मैं जो हूँ सो हूँ, हाइया अशर हाइया। यीशु मसीह कहते हैं आई एम, 7 टाइम्स जीसस क्राइस्ट सेज आई एम, ही इज द ग्रेटेस्ट आई एम। हालेलुया, तो 7 आई एम्स पे फिर हम किसी समय अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह कहते हैं मार्ग और जीवन और सत्य मैं ही हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग मैं हूँ, आई एम द वे, मैं रास्ता हूँ, यूहन्ना 14:6 में। तो क्या है ये रास्ता, क्या अभिप्राय है यीशु मसीह के ये कहने का, अर्थ क्या है कि मैं मार्ग हूँ? कौन सा मार्ग है यीशु मसीह? इस मार्ग पे चल के हम कौन सी मंजिल पे पहुँचेंगे? ये मार्ग हमें कौन से डेस्टिनेशन के साथ जोड़ता है? इस मार्ग के अंत में क्या मिलेगा और इस मार्ग पे की गई यात्रा का फल क्या होगा, इसके ऊपर हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह के लोगों को पहली सदी के लोग क्या कहते थे? प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, यहूदी लोग कहते थे कि ये एक पंथ के लोग हैं, कल्ट। जैसे आज हम कल्ट बोल देते हैं जो गलत शिक्षा पे चलते हैं, ऐसे यहूदी लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को एक पंथ कहते थे, कल्ट कहते थे। लेकिन इसका नाम आपको मालूम उन्होंने क्या रखा था? यीशु मसीह के फॉलोअर का नाम क्या रखा था? अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 9:2, तो प्रेरित पलूस, वो अभी पलूस नहीं है, अभी शाऊल है और कलीसिया को मारने और सताने वाला है, तो वो क्या करता है वो। हालेलुया, मैं अभी एक और प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक पास्टर हैं पास्टर चंदर शायद ऑनलाइन हैं, उनके लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद, मैं पास्टर चंदर को, उनकी बीवी को, उनकी बच्ची को आपके लहू में छिपाता हूँ। मैं आपकी बरकत खोलता हूँ आपके इस दास के ऊपर, यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस जो प्रभु के लोग थे उन्हें कहा जाता था द वे, प्रेरितों के काम 9:2 में नाजरीन भी कहते थे, नाजरोट उसका मतलब है द चिल्ड्रन ऑफ द ब्रांच, शाखा की औलाद, नाजरीन। लेकिन प्रेरितों के काम 9:2 में और प्रेरितों के काम 24:14 में यीशु मसीह के फॉलोअर्स को कहा जाता था द वे, मार्ग पे चलने वाले लोग, पंथ, रस्ते पे चलने वाले लोग, द वे। हालेलुया, और हम हैं वे, यीशु मसीह हमारा वे है, हालेलुया, और हम यीशु मसीह के वे पे चलने वाले हैं। प्रेरितों के काम 9:2 पढ़ लीजिएगा और प्रेरितों के काम 24:14 पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे तो इसका मतलब क्या है। मत्ती 7:14 में यह कौन सा वे है, मत्ती 7:14, मैं ये वचन जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन वचनों को पढ़ना, मनन करना, बार 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 पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। मत्ती 7:14, कभी भाई और बहनों आप अनगहली मत करना कि बाइबल खोलने में आपको प्रॉब्लम होती हो, तुरंत बाइबल खोले और वचन पढ़ें। मत्ती 7:14, बाइबल खोलना एक प्रिविलेज है भाई और बहनों, बहुत बड़ी प्रिविलेज। ओपन अप द वर्ड, रीड मैथ्यूज 7:14। हालेलुया, क्या कहते हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:6 में आई एम द वे। अब मत्ती 7:14 में क्या कहते हैं यीशु मसीह? कहते हैं बिकॉज स्ट्रेट इज द गेट एंड नैरो इज द वे विच लीडेथ अनटू लाइफ एंड फ्यू देयर बी दैट फाइंड इट। सुनिए ध्यान से, मत्ती 7:14, सुन रहे हो ध्यान से? मत्ती 7:14 में क्या कहते हैं यीशु मसीह? स्ट्रेट इज द गेट, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं तंग फाटक है, हालेलुया। थिलीबो, ग्रीक वर्ड है थिलीबो, थिलीबो का मतलब परसीक्यूशन, परसीक्यूशन। ये जो गेट है ना जिसमें से हमने घुसना है, इसमें तकलीफ होगी, लेकिन प्रभु आपके संग होगा। और लिखा है नैरो, और प्रभु कहते हैं नैरो इज द वे, हुडोस, वे के लिए मतलब है हुडोस, थिलीबो हुडोस। ये परसीक्यूशन का राह है, ये राह स्वयं यीशु मसीह है। जिस फाटक से यीशु मसीह घुसने के लिए आपको कह रहे हैं वो गेट स्वयं यीशु मसीह हैं। जिस मार्ग पे आपको चलने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं वो वे स्वयं यीशु मसीह हैं। और यीशु मसीह कहते हैं थोड़े हैं जो इसे पाएंगे, क्योंकि ये जीवन का राह है। कौन है जीवन? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहते हैं मार्ग और जीवन और सत्य मैं हूँ। तीनों का आपस में कनेक्शन है। मार्ग कैसे ट्रूथ, सत्य के संग जोड़ता है, और सत्य कैसे जीवन देता है। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मार्ग हूँ, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय, तो यूहन्ना 10:1 पढ़े, 10:1 पहले पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:1 उसका एक वचन, यूहन्ना 10:1 क्या कहता है प्रभु? वेरली वेरली आई से अन टू यू। आपको मालूम प्रभु कहते हैं मैं सच सच कहता हूँ। क्यों दो बार ये फ्रेज यूज होती है मैं सच सच कहता हूँ? जब प्रभु किसी चीज पे एम्फेसिस देते हैं, किसी चीज पे वजन देते हैं और चाहते हैं कि हम ध्यान दें, तो प्रभु हमेशा कहते हैं वेरली वेरली आई से अन टू यू, वेरली वेरली आई से अन टू यू, ही दैट एंटरेथ नॉट बाय द गेट, ही दैट एंटरेथ नॉट बाय द डोर इन टू द शीप फोल्ड बट क्लाइमेथ अप सम अदर वे, द सेम इज अ थीफ एंड इज अ रॉबर। हालेलुया, द्वार मैं हूँ यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे ही प्रवेश करने से जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:1 और 10:7 पढ़ लीजिए। यूहन्ना 10:7, हालेलुया। Then said Jesus unto them, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. मैं
भेड़ों का दरवाज़ा मैं ही हूँ। इसका नौ वचन पढ़ लीजिए। नौ में कहते हैं आई एम द डोर, मार्ग मैं हूँ। इफ एनी मैन एंटर ही शैल बी सेव्ड, मेरे द्वारा जो अंदर दाखिल होगा वो बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एंड शैल गो इन एंड आउट एंड शैल फाइंड पास्चर्स। ये बड़ी गहरी बात है, अभी इस पे नहीं मैं जाना चाहता। वो अंदर जाएगा, बाहर जाएगा और उसे हरी हरी चराइयाँ मिलेंगी। हालेलुया। और इसका नौ और चौदह के शे में यीशु मसीह कहते हैं आई एम द वे। अब दूसरी चीज़ यीशु मसीह जब कहते हैं कि आई एम द वे, ये कौन सा वे है, क्या इसकी डिमेंशन है? पढ़िए एक वचन और मेरे साथ जल्दी से, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 13 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 का 13 वचन क्या लिखा है यहाँ पे? देयरफोर हैथ नो टेम्पटेशन टेकन यू बट सच एज इज कॉमन टू मैन, बट गॉड इज फेथफुल who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape that ye may be able to bear it. यीशु मसीह एस्केप करने वाला मार्ग भी है। एस्केप का मतलब होता है छुट जाना, बच जाना, भाग निकलना। वो मार्ग भी यीशु मसीह है जिसके द्वारा आप छुड़ाए जाओगे। जब शैतान के चुंगल में फंस जाओगे पाप के कारण और यहोवा की दुहाई दोगे, तो यहोवा परमेश्वर एक रास्ता खोलेगा आपके आगे। वो आपके एस्केप का रास्ता होगा, छुटकारे का, और उस रास्ते का नाम है प्रभु यीशु मसीह। पहला कुरिन्थियों 10 की 13 में जीसस इज़ द वे ऑफ एस्केप। और तीसरा डिमेंशन क्या है यीशु मसीह जब कहते हैं आई एम द वे? हालेलुया, कौन सा वे है यीशु मसीह? पढ़ें इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 9 वचन से। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 9 वचन से चलिए जल्दी से इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 9 वचन से पढ़ता हूँ आपके लिए। द होली स्पिरिट दिस सिग्निफाइंग दैट द वे इन टू द होली ऑफ होलीज वॉज नॉट येट मेड मैनिफेस्ट वाइल एज द फर्स्ट टैबरनेकल वॉज स्टिल स्टैंडिंग। तो 9 से 16 आप पढ़ेंगे, इसके अंदर बड़ी अद्भुत बात लिखी है। पवित्र स्थान में हम यहोवा की हजूरी में जाते हैं, होली ऑफ होलीज में। होली ऑफ होलीज में जाने के लिए कोई रास्ता था ही नहीं। क्यों? क्योंकि होली ऑफ होलीज और होली प्लेस के बीच में एक कर्टन था, बहुत हैवी कर्टन, नियरली 500 केजीज का, और बहुत सॉलिड ढंग से बना था जिसे दोनों तरफ अगर घोड़े लगा दिए जाएं तो भी फाड़ा नहीं जा सकता था, इतना मजबूत था। तो अति पवित्र स्थान में जाने का मार्ग नहीं था कोई। कैसे जाएगा अति पवित्र स्थान में कोई? तो अति पवित्र स्थान में, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में पहुंचने का मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कौन है वो मार्ग भाई और बहनों? वो मार्ग है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है। मैं एक और वचन आपको देना चाहता हूँ, आप पढ़िए मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 19 वचन से। इब्रानियों का अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ें, 10th, उसके 19 वचन से। हैविंग देयरफोर ब्रदरन बोल्डनेस टू एंटर इनटू द होली ऑफ होलीज बाय द ब्लड ऑफ जीसस। होली ऑफ होलीज के अंदर दाखिल होने के लिए रास्ता किस चीज ने बनाया है? यीशु मसीह के खून ने बनाया है। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर जो सड़कें हैं वो खालिस सोने की हैं, वो ट्रांसल्यूसेंट गोल्ड है, गोल्ड की सबसे हाईएस्ट कैरेट है, डिग्री है जो परमेश्वर ने इस्तेमाल की है हेवन की सड़कें बनाने के लिए। ज़मीन की सड़कें जो हैं वो कोल से, टार से बनी हुई हैं, सीमेंट से बनी होती हैं, लेकिन स्वर्ग में इस यहोवा के सिंहासन के आगे पहुंचने का जो मार्ग है वो यीशु मसीह के लहू से बना हुआ है, खून से लिबड़ा हुआ पथ है। हालेलुया। ये खून से लिबड़ा मार्ग है यीशु मसीह, कि हम होली और होलीस में जाएं और यहोवा की आराधना करें,
आपको मालूम चौथी डिमेंशन क्या है इस मार्ग की? इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 20 वचन पढ़ लीजिए, जो वचन हम पढ़ रहे हैं 10 का 20 पढ़ें। हालेलुया, क्या लिखा है यहाँ पे? बाय ए न्यू एंड अ लिविंग वे विच ही हैथ कॉन्सिक्रेटेड फॉर अस थ्रू द वेल दैट इज टू से हिज फ्लैश। अपने शरीर के द्वारा, हालेलुया, जो पर्दा था ना हैकल का, वही पर्दा यीशु मसीह की देह है। जो हैकल का परमेश्वर के मंदिर के अंदर कर्टन था, वो परमेश्वर की हजूरी को छिपाता था, वैसे ही यीशु मसीह का शरीर, यीशु मसीह के शरीर के अंदर यहोवा परमेश्वर के जलाल को छिपा के रखता था। हालेलुया, तो उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। जब यीशु मसीह ज़मीन पे थे, उस समय यहोवा की हजूरी सिर्फ यीशु मसीह की देह में वास कर रही थी। संपूर्ण पवित्र आत्मा यीशु मसीह की देह में उतर आया था। हालेलुया, ये नया और जीवित मार्ग है भाई और बहनों। दिस इज ए न्यू एंड ए लिविंग वे। हालेलुया, 8:9 पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री 8:9, जल्दी से पढ़ें इब्रानियों 8:9। हालेलुया, क्या लिखा है इब्रानियों 8:9 में? इब्रानियों की पत्री 8:9। फाइंडिंग फॉल्ट विद देम ही सेथ, बिहोल्ड द डेज कम सेथ द लॉर्ड व्हेन आई विल मेक अ न्यू कवेनेंट विद द हाउस ऑफ इज़राइल एंड विद द हाउस ऑफ जूदा। नई वाचा का नया मार्ग है ये, नई वाचा का नया पथ जो यीशु मसीह के खून से तैयार किया गया है। और ये 5th डिमेंशन क्या है इस मार्ग की? 5वीं डिमेंशन इस मार्ग की क्या है? 2 पत्रस 2:2। चलिए मेरे साथ इब्रानियों से आगे बढ़िए, 2 पत्रस उसका 2:2। हालेलुया, 2 पत्रस 2:2 और उसका 2 वचन, 2 पत्रस 2:2। सुनिए क्या लिखा है यहाँ पे 2 पत्रस 2:2 में। एंड मैनी शेल फॉलो दियर पर्निशियस वेज बाय द रीजन ऑफ होम द वे ऑफ ट्रूथ शेल बी ईवल स्पोकन ऑफ। ये जो रास्ता है कौन सा है? वचन में लिखा बहुत सारे लोग अपने अपने बनाए बुरे मार्गों पे चलने लगेंगे। ये एंड टाइम अपोस्टेसी की बात है, जब अंत के दिनों में शैतान भरमाएगा, कलीसिया को भ्रमित करेगा और झूठे नबियों को भेजेगा, झूठे प्रचारकों को, झूठे शिक्षकों को भेजेगा। वो झूठी और शैतानी शिक्षा दे के लोगों को वरगला लेंगे, गुमराह करेंगे। और प्रभु का दास तिमोथियस की पत्री में लिखता है प्रेरित पौलुस कि वो सत्य से अपने कान फेर लेंगे और वो नए नए गुरु खड़े कर लेंगे अपने लिए, जो उन्हें पसंद होगा वो उन्हें चाहिए। वो बोलेंगे प्रोफेसी पापा, ऑन डिमांड प्रोफेसी दो, तो पापा प्रोफेसी करेंगे $1,000,000 अनॉइंटिंग आ रही है, $1,000,000,000 रॉयल रॉल्स की अनॉइंटिंग है, BMW की। ऐसी बातें करते हैं ये भाई और बहनों जो यहोवा को नहीं जानते, जो जादूगरी करते हैं यहोवा के नाम पे। तो लिखा है परमेश्वर का, क्या लिखता है पत्रस की पत्री में? जो अब हो रहा है वो बात पत्रस अपनी पत्री में लिख रहा है। समझ रहे हो आप क्या लिख रहा है पत्रस? 1 पत्रस 2:2 में, मैनी शेल फॉलो द परनिशियस वेज, बुरे पथ पे चलेंगे। ये प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, ये नबी हैं, ये प्रेरित हैं, ये बाइबल का सिखाने वाले लोग हैं जिनके विषय में लिख रहा है। मैनी शेल फॉलो द परनिशियस वेज, बड़े बुरे राहों पे चलेंगे वो, बाय रीजन ऑफ होम द वे ऑफ ट्रूथ शेल बी ईवल स्पोकन ऑफ। और ये जो वे ऑफ ट्रूथ है, कौन है सच्चाई का मार्ग? ये मार्ग सच्चाई का मार्ग है, यीशु मसीह। इसके विषय में लोग बुरी बातें कहेंगे, अर्थात प्रभु के नाम की बदनामी होगी बुरे लोगों के बुरे कामों के कारण। 6th डिमेंशन क्या है? ये कौन सा मार्ग है? 2 पत्रस में पढ़िए, 2:2, 2 पत्रस 2:15। 2 Peter 2:15, 2 पत्रस 2:15 पढ़े क्या लिखा है? विच हैव फॉरसेकन द राइट वे एंड आर गॉन एस्ट्रे फॉलोइंग द वे ऑफ बेलम। यहाँ पे ना मैं आपको बताऊंगा, आप राइट वे को छोड़ के चले गए ये लोग, जो सही मार्ग है। हालेलुया, हम गीत गाते हैं,
यीशु मसीह राह सही, सही राह है। न जा तो शिफा पाओ सभी, न जा तो शिफा पाओ सभी, हालेलुया आओ अभी, यीशु मसीह राह सही, यीशु मसीह राह सही। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदा की पत्री पढ़िएगा, तीन मार्ग हैं शैतानी, एक कोरा का है, एक बिलाम का है, एक कैन का है। ये तीन राह के ऊपर झूठे नबी, झूठे प्रचारक, झूठे पापा डैडी, झूठे उपदेशक, उन लोगों को जो कानों की खुजली मिटाना चाहते हैं, उन लोगों को जिनकी जड़ नहीं है प्रभु में, उन लोगों को जो हरेक विम्सिकल डॉक्ट्रिन से भरमाए जाते हैं, उनको आहेर करके ये कोरा के, कैन के और बिलाम के राह पे ले जाएंगे। बिलाम का राह है झूठे नबियों का राह, कोरा का राह, कोरा का राह कौन सा है? प्रीस्टली, याजकी, याजकी प्रीस्टली लीडरशिप की क्रेविंग करना, रिबेलियन करना। कैन का राह मर्डर का राह है, इसके ऊपर लेकर जाएंगे। हालेलुया। कौन से राह से हटा लेंगे? राइट वे से। हालेलुया। कौन सा मार्ग है? परमेश्वर यहोवा का मार्ग। कौन सा मार्ग है भाई और बहनों? द राइट वे। दूसरा पत्रस 2:15। सातवीं डिमेंशन क्या है इस मार्ग की? द वे ऑफ राइचियसनेस। हालेलुया। पढ़ें 2 पीटर में, 2 पत्रस 2 अध्याय, 2 पीटर चैप्टर नंबर 2:21 पढ़ें। 2 पीटर चैप्टर नंबर 2:21 क्या लिखा है यहाँ पे? फॉर इट हैड बीन बेटर फॉर देम नॉट टू हैव नोन द वे ऑफ राइचियसनेस। कौन सा मार्ग है ये? धार्मिकता का मार्ग है। यीशु मसीह धार्मिकता का मार्ग है, अपवित्रता ही का मार्ग नहीं है। चौड़ा मार्ग नहीं है, जो मर्जी करते रहो, जैसा मर्जी जीवन जियो, ये वो मार्ग नहीं भाई और बहनों, ये धार्मिकता का मार्ग है। 1 कुरिन्थियों 1:30 भी पढ़ लीजिए, वहाँ पे प्रेरित पलूस कहता है यीशु मसीह धार्मिकता का मार्ग है। तो ये 7 डायमेंशंस हैं। हालेलुया। इन 7 डायमेंशन में आपने अपने जीवन को ढालना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं फिर आपके साथ परमेश्वर के कलाम के साथ भेंट करूंगा और हम मिलके परमेश्वर की आराधना और उपासना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद, मैं जो लोग बाद में शामिल हुए हैं उनको भी तेरे हजूर में लाता हूँ, सारा सारा को तेरे हजूर में उठाता हूँ। ब्लेस सारा सारा लॉर्ड, ब्लेस हरदीप सिंह, मे योर हैंड बी अपॉन सारा सारा एंड हरदीप सिंह लॉर्ड जीसस। ब्लेस एरन हैनरी फ्रॉम जलंधर, मे योर हैंड बी अपॉन हिम एंड अपॉन हिज हाउस होल्ड। आई प्रे फॉर अनीता रानी ऑल्सो लॉर्ड, फॉर योर ब्लेसिंग टू रेस्ट अपॉन हर। आई प्रे फॉर रेनू कुमारी दैट योर ब्लेसिंग विल रेस्ट अपॉन हर। एंड लॉर्ड आई प्रे वंस अगेन फॉर चंद्र मोहन दैट यू ब्लेस हिम। तेरा धन्यवाद लॉर्ड, वी थैंक यू। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं और तेरी बड़ाई करते हैं खुदावन। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में तेरा धन्यवाद। प्रभु मैं भाई प्रिंस होता के लिए प्रार्थना करता हूँ, ये तेरा दास है खुदावन, तेरे लिए गाता है तू खुदावन, इसको स्वर्गीय म्यूजिक सिखाना, स्वर्गीय म्यूजिक। और ये हम्बल रहे तेरे आगे, दीन रहे, दीनता से तेरी सेवा करे खुदावन। एक बार फिर हम गीता बहन के पति प्रहलाद को तेरे आगे लाते हैं, उसके जीवन में काम करने वाली अंधकार की शक्ति को बांधते हैं। तेरी इस दासी के जीवन को खुशियों से भरना खुदावन, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में हम भाई हरजिंदर पाल को भी तेरे हाथ में देते हैं खुदावन। ब्लेस कर अपने इस दास को, उसके घराने को, तेरा नाम ऊँचा हो खुदावन, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आई विल सी यू लेटर इन द इवनिंग। सबको जय मसीह की।